अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इख्तदार अली सिद्दीकी है और मैं सिद्दीकी साइकिलिंग पॉइंट का ओनर हूँ। काफ़ी टाइम से मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे अबाउट परचेजिंग यूज्ड बाइक। तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स ये भी बोलते थे कि आप हमारे साथ चल लें और आप बाइक चेक कर लें ताकि हम बाइक बाय कर सकें। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए कि जिसमें मैं बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीज़ें गाइड कर दूँ ताकि किसी को भी बाइक परचेज़ करने में मुश्किल ना हो। तो मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें इसमें पॉइंट आउट करता हूँ अभी, तो इससे हेल्प आउट ये हो जाएगी कि जो भी बिल्कुल न्यू है बाइक लेने में तो उसको आइडिया हो जाएगा कि बाइक अगर लेनी है तो कैसे चेक करके लेनी है। तो वो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। अब आप इसके नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं थोड़ी एडवांस पे भी जाऊँ तो मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन अभी ये वीडियो जो है सिर्फ बेसिक चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले चीज़ जो देखी जाती है एक बाइक के अंदर, वो देखी जाती है उसका फ्रेम। तो फ्रेम में सिर्फ आप ये चेक करना है, यूज बाइक आप ले रहे हैं तो स्क्रैचेस तो होंगे उस पर माइनर से लाइक दिस, लेकिन आपने चीज़ें ये चेक करनी है कहीं से क्रैक बैंड या कहीं से भी उसके जो वेल्डिंग्स पॉइंट्स होते हैं वहाँ से कहीं से टूटा हुआ या निकला हुआ तो नहीं है। और इसके तीन चार ही पॉइंट है मेन मेन, ये है जो हेड ट्यूब होती है इसकी, फिर ये सीट ट्यूब है इसमें आपने चेक कर लेना है, फिर बॉटम ब्रैकेट के होते हैं और फिर व्हील वगैरह के या फ्रंट फोर्क है या शॉक्स है। शॉक्स के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा। और दूसरी चीज़ जो सबसे मेन होती है वो इसके व्हील्स होते हैं, और व्हील्स में ये जो हब होते हैं इसकी आपने चेक करनी है कि इसमें प्ले तो नहीं है। और प्ले आप इसको खड़ी करके बाइक को और इसको व्हील को यूँ आगे पीछे हिला के देखेंगे, अगर इसमें प्ले है तो इसका मतलब इसके बैरिंग्स ख़त्म हो गए हैं, अगर इसमें प्ले नहीं है और ये स्मूथली चल रहा है बिना रुके बिना किसी चीज़ के तो ये हब ओके है। दूसरी चीज़ व्हील की अलाइनमेंट चेक कर लीजिएगा दोनों की, वो आप इसको ऐसे ही चला के चेक कर सकते हैं और यहाँ से ब्रेक शूज से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टायर में जम तो नहीं है या रिम में इधर उधर से आउट तो नहीं है, अलाइनमेंट सही है। दोनों व्हीलों को आपने इसी तरह चेक करना है। तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है और मैं तो सबसे पहले ही चेक करता हूँ, वैसे तो मार्केट में अवेलेबल है अलग अलग ब्रांड्स के अब आ चुके हैं बॉटम ब्रैकेट्स, लेकिन आप बॉटम ब्रैकेट सबसे पहले चेक किया करें। और बॉटम ब्रैकेट को चेक करने का तरीका यही है कि आपने ये क्रैंक का साइड पकड़नी है और इसको आगे पीछे मूव करके देखना है, आगे पीछे ऐसे नहीं, आगे पीछे ऐसे। तो अगर इसमें मूवमेंट है तो ये ख़त्म हो चुका है बॉटम ब्रैकेट आपका। और इसके अलावा जो चीज़ें चेक करने की होती हैं वो लीवर्स चेक कर लें आप, इन लीवर्स में प्ले तो नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है आपने फ्रंट ब्रेक पकड़ना है, यहाँ से प्रेस करके रखना है और बाइक को आगे पीछे करके चेक करना है कि इसके हैंडल में कोई प्ले तो नहीं है, अगर इसमें प्ले है या तो ये सही से टाइट नहीं हुआ हुआ ये और ये यहाँ बैरिंग होते हैं दोनों, या ये तो सही से टाइट नहीं हुआ हुआ या इसके दोनों बैरिंग ख़त्म है। सेम चीज़ें आपको छोटी छोटी माइनर्स ही हैं वो पैडल्स की हैं, अगर ओरिजिनल लगे हुए हैं तो इसमें प्ले नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए ये। और मैं बाकी एक इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा डिटेल वाली, जिसमें हम लोग ब्रेक शू, ड्रेलर्स, शिफ्टर्स और काफ़ी बारीक चीज़ों के ऊपर जाएंगे। तो अभी ये सिर्फ वीडियो बनाने का यही मकसद था कि सिर्फ बेसिक सी चीज़ें मैं पॉइंट आउट कर दूं, बाकी मैं टीथ्स का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरी, इसमें सिर्फ मैं टीथ और चेन के बारे में बात करूंगा, ड्रिलर और शिफ्टर भी उसी में कवर हो जाएंगे, लेकिन अभी ब्रेक शू भी मैं उसी में कवर कर दूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये मैंने इतनी ही वीडियो बनानी थी कि जो भी बंदा बाइक लेने जा रहा हो तो वो ये बेसिक सी चीज़ें तो खुद से टेस्ट कर ले। और वो फ्रेम है, दोनों व्हील्स हैं, हब्स हैं दोनों व्हील्स के, रिम्स हैं, आपको रिम्स बता दिए मैंने कैसे चेक करने, उसकी अलाइनमेंट चेक की जाती है, स्पोक्स तो आप चेक कर ही सकते हैं और स्पोक्स अगर टूटी हुई भी हो तो वो दूसरी लग सकती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ये हब और रिम्स काफ़ी मेजर चीज़ें हैं, क्योंकि हब में अगर कोई फॉल्ट है तो फिर तो सीन ही दूसरा हो जाता है, पूरा हब चेंज होना आसान भी है मुश्किल भी है। आसान ऐसे है कि अगर कुछ अच्छे पार्ट्स अवेलेबल हैं तो ईजी है, अगर पार्ट्स अवेलेबल नहीं है तो मुश्किल होगी। तो बस ये, और ब्रेक्स का भी अभी तो बताना सही नहीं क्योंकि एडवांस नहीं आएंगे, लेकिन अभी बेसिक से सिर्फ यही चीज़ें थी जो मैंने अभी हाईलाइट करनी थी।
तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप और चीज़ें भी, मतलब मैं इसके बाद भी एक एडवांस वीडियो बनाऊँ, इसमें मैं थोड़ी एडवांस चीज़ों की तरफ जाऊँगा। सही है, थैंक यू।